दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक छोटी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों हम सब अब फ्लैट्स में रहते हैं, बड़े शहरों में तो विशेषकर लोग फ्लैट में रहते हैं क्योंकि बंगले में रहना सबके लिए मुनासिब नहीं होता है, तो फ्लैट में रहने का योग है हम सबका। अब फ्लैट में एक कमरा होता है जो साउथ वेस्ट का कमरा होता है, एक साउथ ईस्ट का होता है, एक नॉर्थ वेस्ट का होगा, एक नॉर्थ ईस्ट का होगा, अगर 4 बेडरूम का फ्लैट है तो। अब हम ये जानते हैं कि जो सबसे पावरफुल कमरा है वो साउथ वेस्ट का है, उसके बाद जो पावरफुल है वो साउथ ईस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट का कमरा और नॉर्थ ईस्ट का कमरा जो है वो कमज़ोर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपके फ्लैट का जो है वो वीक पार्ट है, वीक जोन है, और सदर्न हेमिस्फीयर आपके घर का जो है वो पावरफुल जोन है, जिसमें साउथ वेस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फर्ज कर लो कि एक व्यक्ति है, बड़े शहर में रहता है और वो फिल्म लाइन में काम करता है। अब जो साउथ वेस्ट में सो रहा है बाय डिफॉल्ट, उसके पास बहुत काम है क्योंकि वो पावरफुल जोन में सो रहा है, तो उसके पास बहुत काम है, वो बहुत पॉपुलर है और 12 घंटा 14 घंटे का काम है उसके पास और वो अपना पैसा कमाता है। लेकिन उसकी जो जनरेशन है वो नहीं कमा पा रही है और उस जनरेशन के पास काम नहीं है या कम काम है। तो ये जो कम काम है या काम नहीं है, ये योग कैसे बना? तो ये योग कुछ इस तरह से बना कि पावरफुल जोन जो है वो पिताश्री के पास है और कमजोर जोन जो है वहां कमरा है उनके बेटे का या उनकी बेटी का। तो जब ऐसा होता है तो बेटा जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाता है और पिता जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम किस्मत वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नामना और काम में काफ़ी अंतर होता है। तो ऐसा आपको बहुत दिखेगा, ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट में दिखेगा। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मेन व्यक्ति है, वो बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्टिव है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है। लेकिन उसका जो लड़का है वो उतना ही डम्बो है, मतलब वो लड़का उसका कुछ मतलब वो एक्टिव नहीं है, मतलब तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस बेचारे को कमरा ऐसा मिल गया है इत्तेफाक से, क्योंकि जानकारी नहीं है वास्तु की, तो वो ऐसे कमरे में घुस गया है जहां आप डम्ब हो जाते हो, आप स्लो हो जाते हो, आप माइल्ड डिप्रेशन में आ जाते हो। तो ग्रह चाहे कितने अच्छे हो, आपकी एजुकेशन चाहे कितनी अच्छी हो, आपकी सोशल बैकग्राउंड चाहे कितनी अच्छी हो, आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन आप एक परफॉर्मर नहीं बन पाते हैं। और वो इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि आपको जो कमरा मिला है घर में वो नहीं मज़ेदार है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपकी रूम की व्यवस्था आपको सपोर्ट नहीं करती। कई बार हमारी स्टडी टेबल गलत डायरेक्शन में होती है, कई बार हमारे पलंग की दिशा गलत व्यवस्था में होती है और हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा सिराना किस तरफ है। हमें यह भी नहीं पता होता कि सूरज किस तरफ निकलता है। मुंबई में मेरे बहुत कस्टमर, उनको पूछता हूँ कि आप जब नक्शा लेके आए हो तो आपको दिशा पता है? तो बोलते नहीं, हमको दिशा नहीं पता। तो हम पूछते हैं कि ठीक है, अच्छा ये तो बता दो कि सूरज कहाँ से निकलता है। तो बोले साहब हमको नहीं मालूम सूरज कहाँ से निकलता है। तो बड़े शहरों में सूरज कहाँ से निकलता है ये भी नहीं पता होता। तो हमारा पलंग की दिशा कौन सी है, लेडीज़ को ये नहीं पता होता है कि उनकी रसोई की दिशा कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तु जो है वो आपके टेम्परामेंट, आपके मूड्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका वास्तु अच्छा नहीं है तो आपका टेम्परामेंट अच्छा नहीं होगा, आपको मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो थोड़ा थोड़ा सेटअप अच्छा कीजिए जिससे आप जीवन को, आप दिन को शाम को एंजॉय कर सको। अपना ध्यान रखिए।